हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप कि तुसी सारे जने ठीक ठाक होवोंगे। अज दे अपने नोट्स संबंधित है जी पीएस टेट दे नाल। पीएस टेट दा सब्जेक्ट हुंदा है जी सीडीपी। सीडीपी दे नाल संबंधित नोट्स है जी। सो इन्दे विच आपां जिहड़ा अज टॉपिक कर रहे हैं जी सीडीपी दे विच, वो आपां कर रहे हैं जी कंसैप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन्दे बारे दे विच आपां जिहड़ा पढ़ांगे जी पूरी डिटेल दे विच इस वीडियो दे विच, ये सारे का सारा जिहड़ा कवर है हो जाना है। ज़्यादा लंबा नहीं हैगा गा, बट फिर भी जिहड़ा टाइम तो लगेगा जी, ठीक है, 20-25 मिनट, अद्धा घंटा तो लग ही जाना जी। सो सीडीपी का जिहड़ा टॉपिक है जी कंसैप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो अपने जिन्हें भी बीएड के नोट्स बने हुए हैं, आपां उहदे विच चाइल्ड सेंटर्ड की गल की हुई है ना, वो ही टॉपिक है जी कि एक बच्चे दे जिहड़ा फोकस करके जिहड़ा है उहनूं जिहड़ा पढ़ाउणा, ठीक है। सो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई सीडीपी दी, सो सीक्वेंस वाइज है सारियां वीडियो, तो देखो जरूर तुहाडी हैल्प करनी है। तो ये भी वीडियो आप ऐड कर देंगे, तुहानू वधिया लगदियां हुंदियां वीडियोज़ तो लाइक जरूर करिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के नाल वट्सएप ग्रुप के विच, ते कमेंट करके भी जरूर दस्या करो वीडियो तुहानू किस तरह की लगी है। तो जेकर अजे तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में जरूर सबसक्राइब कर दो, जो मेरिया आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुहानू मिल सकन। सो आपां स्टार्ट करते हैं जी अज्ज का अपना जिहड़ा टॉपिक है जी कंसैप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन दे नाल संबंधित है जी। फर्स्ट है जी पेंडागोजी नूं दो चीज़ां प्रभावित कर दियां, जेकर आपां पेंडागोगी की गल करिए तां इहनूं जिहड़ियां दो चीज़ां जिहड़ियां प्रभावित आ उह करदियां ने पेंडागोगी नूं। सो एक साइकोलॉजी प्रभावित करती है ते दूसरी जिहड़ी गौरमेंट आ उह प्रभावित करती है। जेकर आपां ने जिहड़ी पेंडागोजी की गल करिए तां कड़ियां कड़ियां चीज़ां प्रभावित करदियां, एक तो साइकोलॉजी प्रभावित करेगी, एक जिहड़ियां सरकार द्वारा जिहड़ियां बनाईयां जांदियां जिहड़ियां पॉलिसियां ने वह भी जिहड़ियां प्रभावित करदियां कि किसे नूं किदां पढ़ाउणा वा, है ना, कि स्टूडेंट ने स्कूल दे विच उहनां नूं किस तरह नाल पढ़ाउणा। एक तो साइकोलॉजी अपनी करती है प्रभावित कि ना कि कि उम्र दे विच किस बच्चे नूं किवें पढ़ाया जाए, किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रख्या जाए, वह साइकोलॉजी दे विच आ गया। एक हुंदियां सरकार द्वारा बनाईयां जांदियां जिहड़ियां पॉलिसियां ने, वह भी जिहड़ियां ने पेंडागोगी गोगी नूं जिहड़ियां प्रभावित है वह करदियां ने। सो पेंडागोगी नूं दो चीज़ां जिहड़ियां प्रभावित करदियां ने, एक साइकोलॉजी प्रभावित करती है तो दूसरी गौरमेंट जिहड़ी प्रभावित है वह करती है। सो बेसिकली इन्दे विच है कि है जी टीचर का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, स्टूडेंट का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, वातावरण किस तरह का होना चाहिए। जो भी एजुकेशन बच्चे जी दी जाती स्कूल कि गल्लां ध्यान रखिया ने, एक तो टीचर का व्यवहार दसिया जाता कि किस तरह का होना चाहिए, टीचर बच्चों किवें पढ़ावे, किवें बच्चों के नाल जो बिहेवियर है वह करे, है ना, बच्चे उन्हें जो कुटना है ज नहीं कुटना, है ना, जेकर वो नहीं आके लग रहा उन्हें किवें समझाना, जेकर वो किसी आंसर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा तो उन्हें किवें बच्चे की हैल्प करनी है कि वो जिहड़ा आंसर है वह दे पावे, सही दे पावे, उनके लिए एग्जाम्पल्स देवेगा की करेगा वो, कि कोई कोई भी टॉपिक है उन्होंने किहड़े मैथड न पढ़ावेगा, उन्होंने डिस्कशन मैथड न पढ़ावेगा, उन्होंने लैक्चर मैथड न पढ़ावेगा, उन्होंने एक्सप्लेनेशन मैथड के ना पढ़ावेगा, किस मैथड के नाल जिहड़ा टीचर है वह क्लास के ट्रीट करेगा, किस तरह का उनका जिहड़ा बिहेवियर है वह होना चाहिए, उस सब के आले दुआले चीज़ घूमती है। तो फिर स्टूडेंट का व्यवहार भी किस तरह का होना चाहिए, सो यह भी जिहड़ा लाजमी है। तो उस तो अलावा सब तो इंपोर्टेंट है जी इनवायरमेंट जिहड़ा किस तरह का होना चाहिए, जिथे बच्चों नूं टीच किया जा रहा, उन्होंने कुछ सिखाया जा रहा, वह माहौल किस तरह का होना चाहिए, एनवायरमेंट किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ा ने, तो इन्हें जी आप एजुकेशन की जी गल आप करांगे वो आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की गल करांगे कि बच्चे दे जिहड़ा फोकस करके बच्चे जिहड़ा पढ़ाया है वह जाएगा। पहला की हुंदा सी पुराने टाइम की जेकर आप गल करिए जंगलों के गुरु हुंदे सी तां उत्थे जांदे सी तां गुरु उन्होंने जिहड़ा समझांदे सी, है ना, उत्थों पढ़दे सी, पर जो उस टीचर ने कह दिता पुराने टाइम के, है ना, उही जिहड़ा उन्नू जिहड़ा बच्चा जिहड़ा वह सिखदा सीगा, है ना, चुप करके उन्हें जिहड़ी गल है वह समझदे सी ते उन्होंने जिहड़ा फॉलो है वह करदे सीगे, है ना। सो पहला समा इदां दा हुंदा सीगा, है ना, कि टीचर दे आले दुआले सारियां चीज़ां घूमदियां सी, टीचर ने जो सिखा दिता जो उन्हें कह दिता उदा ही मतलब उस चीज़ नूं ध्यान दे विच रख्या जांदा सी। बट इत्थे गल आ जांदी है चाइल्ड सेंटर्ड, वह कहिंदे बच्चियां नूं ध्यान दे विच रख के जिहड़ी एजुकेशन है होनी चाहीदी है, ना ही कि टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चियां नूं करवाई जाए, अजिहा नहीं होना चाहिए।
चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे नू जिहड़ा ध्यान दे विच आ उह रख्या जाना चाहिए है। सो इत्थे एक जिहड़ी डायग्राम तुहाडे सामने जिहड़ी पेश कीती हुई है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की डायग्राम है जी तुहाडे सामने, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। इहदे विच एक जिहड़ा टीचर हुंदा जी, ठीक है, एक स्टूडेंट होवेगा, एक एनवायरमेंट होवेगा, तो बट फोकस किंदे ते होवेगा, वह स्टूडेंट ते होवेगा। फोकस किंदे ते होगा जी, स्टूडेंट ते होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की गल करनी है जी। सो आप पढ़ लें कि कुछ हों जी, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कि होंगी है, स्टूडेंट सेंटर्ड कि होंगी है। सो उनके बारे में आप पढ़ते हैं। फस्ट आप पढ़ रहे हैं जी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की, आप गल करते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। इस अवस्था में पूरी सिक्ख्या व्यवस्था जी है अध्यापक केंद्र के रख के चलाई जाती है। अध्यापक इतने केंद्र है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की है जी। इस अवस्था में पूरी की पूरी जी सिक्ख्या है व्यवस्था है जी अध्यापक केंद्र के रख के जी चलाई जाती है जी। इस अध्यापक जरा ज़्यादा जोड़े हक है राइट्स है वो दिते जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे जोड़े पैसिव अध्यापक एक्टिव मोड के होंगे, अध्यापक एक्टिव मोड होगा तो बच्चे जोड़े पैसिव मोड हो टीचर सेंटर अप्रोच के, क्योंकि सारा कुछ जोड़ा टीचर के आले दुआले जोड़ा वो चलेगा ना, टीचर केंद्र के रख के जी सिक्ख्या है वह दिती जाती है ना। टीचर एक्टिव मोड के है तो बच्चे की ने पैसिव मोड ने। सो यह होंगी है जी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। नैक्सट आप गल करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की होंगी है। सो स्क्रीन पर है जी थोड़े जोड़ा स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की आप गल कर लें। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन इस अवस्था में बच्चे जोड़ा वो केंद्र के रख्या जाता है। सो इस अवस्था में की है बच्चे जोड़ा केंद्र के रख्या जाता है, पूरी सिक्ख्या प्रणाली जी बच्चे के अनुसार ही जी चलाई जाती है। जेकर आप पूरी सिक्ख्या प्रणाली की गल करिए जी पूरी सिक्ख्या प्रणाली है जी बच्चे के अनुसार चलाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा जोड़ा है वह एक्टिव मोड होंगे, टीचर इतने जोड़ा पैसिव मोड भूमिका निभावेगा। इस विच अध्यापक एज ए गाइड भूमिका निभाउंदा है। जेकर अध्यापक की गल करिए अध्यापक इत्थे की करदा है जी एज ए गाइड जिहड़ी भूमिका है वह निभाउंदा है, जो सिर्फ गाइड करदा है बच्चे दे अकॉर्डिंग बच्चे नूं। तां बच्चा जिहड़ा विद्यार्थी है स्टूडेंट है वह एक्टिव मोड दे विच होवेगा, तां टीचर जिहड़ा वह पैसिव मोड दे विच होवेगा। सो बच्चे नूं केंद्र दे विच रख्या जांदा है इत्थे, ते बच्चे दे अनुसार पूरी सिक्ख्या प्रणाली बच्चे दे अनुसार जिहड़ी चलाई जांदी है जी। नैक्सट आ जाओ जी कॉन्टेंट सेंटर सिस्टम केड़ा है। कॉन्टेंट सेंटर सिस्टम सिलेबस के अकॉर्डिंग इन की है, कॉन्टेंट सेंटर्ड सिस्टम के इस सिलेबस को ध्यान में रख के टीचर जो स्टूडेंट को जो पढ़ाता है। इतने जी आप गल करिए इस जो सिलेबस को ध्यान के रखा जाता, सिलेबस को ध्यान के रख के जो टीचर है वह जो स्टूडेंट को पढ़ाता है जी। टीचर के टीचर नूं रख्या जांदा केंद्र के स्टूडेंट के स्टूडेंट नूं, ते कंटेंट की गल करिए सिलेबस नूं ध्यान दे विच रख्या जांदा है, ठीक है। तो इन तिना दे विचों टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, कंटेंट सेंटर्ड एजुकेशन दे विच जेकर गुड एजुकेशन मन्नी जांदी है तो वह जिहड़ी मन्नी जांदी है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन मन्नी जांदी है जी। गुड एजुकेशन मन्नी जांदी है जी, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन मन्नी जांदी है जी। नैक्सट आप गल करते हैं जी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, आप गल करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। सो इन जो चीज़ा जड़ियाँ पढ़निया वो नैशनल कुरीकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी पढ़ांगे। सो इन्हें तो अपनी बी एड का भी एक जोड़े नोट्स कवर करवाए हुए हैं नैशनल कुरीकुलम फ्रेमवर्क 2005 से, वो वीडियो भी तुम देख सकते हो, भी थोड़ी हैल्प करेगी। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये भी मैं बी एड कवर करवाया हुआ नोट्स के उतों भी तुम देख सकते हो। जिहड़ा राइट टू एजुकेशन एक्ट से 2009 एक्ट जिहड़ा सी मार्च 2009 दे विच जिहड़ा ये पास है वह किया गया सी। इस एक्ट की जेकर आप गल करिए इस एक्ट की गल करिए मार्च 2009 दे विच ये पास किया गया सीगा, ते 1 अप्रैल 2010 इनू जिहड़ा लागू है वह कर दिता गया सीगा। 1 अप्रैल 2010 ये लागू कर दिता गया सी, मार्च 2009 दे विच पास होया सी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो ये दोनों के जिहड़े कंप्लीट जिहड़े नोट्स है जी वो बने हुए हैं, तो बी एड दे विच मैं करवा चुकी हाँ नोट्स, बाकी आपां करांगे बट उतों भी तुहानूं जिहड़ियां वीडियोज़ मिल जाणगियां तो देख लियो। नैक्सट आ जाता जी अपना ऑब्जेक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जोड़े ऑब्जेक्टिव की ने उद्देश की ने, सो उन्हें बारे के आप जो पढ़ा ऑब्जेक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फर्स्ट है जी
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਡਰੋਪ ਆਊਟ। ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਵਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਡਰੋਪ ਆਊਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਡਰੋਪ ਆਊਟ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਫੋਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੀਚਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡਨੈਸ, ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਰਿਲੇਟਡਨੈਸ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੇ, ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੀ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਵ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ, ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਇਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਵਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ IQ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ।
क्योंकि तुहाडे पी एस टैट के सिलेबस के लिखा हुआ इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन सो उनकी आप जी गल इतने करा प्रोग्रेसिव एजुकेशन की सो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जेकर आप फादर की गल करिए पिता की गल करिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर है जी जॉन डीवी सो जॉन डीवी सके जी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर सो जॉन डीवी सी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन सके जी जॉन डीवी सी जेडे ए जेडे सी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर सके जी जॉन डीवी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डीवी फीचर्स की ने जी हुण प्रोग्रेसिव एजुकेशन के आप उनकी गल कर लें जी फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन फर्स्ट पॉइंट है जी इंदे विच सो फीचर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन आप कर रहे हैं फर्स्ट है जी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए है विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए है उही गल्लां ने जो मैं तुहानू उपर दसियां ने लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए करके बच्चा सीखे थर्ड है बच्चों नू बुक्स तो दूर लैके जाना वो कहिंदे कि बच्चा जिहड़ा वध तों वध जिहड़ा बुक्स तो दूर जाए वह नॉलेज रखे ठीक है वह किताबी जिहड़ा कीड़ा ना बने वह रट्टे ना लगावे है ना बच्चों जिहड़ा बुक्स तो जिहड़ा दूर लैके जाना इनका जिहड़ा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर है जी फोर नंबर दे जी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों इस काबिल बना कि अपन मुश्किलों का हल कर सकन सो प्रॉब्लम सॉल्विंग जी एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग जी एबिलिटी है जी अजिही जी बच्चे जी डिवेलपमेंट है वह करनी चाहिए है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ठीक है बच्चों इस काबिल बना कि अपन मुश्किलों का हल बच्चों इस काबिल बना कि अपन मुश्किलों का जोड़ा हल है वह कर सकन प्रॉब्लम सॉल्विंग जी एबिलिटी है जी ठीक है वह बच्चों के जी पैदा है वह की जानी चाहिए है ता जो बच्चे अपन मुश्किलों का जोड़ा हल है वह कर सकन फाइव नंबर दे जी क्रिटिकल थिंकिंग दी बच्चे अंदर डिवेलप करनी सो क्रिटिकल थिंकिंग जी बच्चे अंदर जी डिवेलप है वह करनी चाहिए है ये ना हो कि बच्चा जिहड़ा हर एक जी जो कुछ भी हो रहा बस उन्होंने मनी जाए बच्चे के अंदर एक अजिही जी सोच उनकी डिवेलपमेंट करनी चाहिए है ता जो बच्चा जेकर गलत है तो उन्होंने गलत कहने की हिम्मत रखी है ना उनके एक आलोचना करम की जी थिंकिंग भी वह जी पैदा है वह होनी चाहिए कि वह एनालाइसिस कर सके कि ठीक है कि गलत है जेकर सरकार कोई पॉलिसी लैके आती है तो अजिहा बच्चे की जी सोच विकसित की जानी चाहिए है कि वह उस चीज़ के बारे सोच सके कि मैनू बेनीफिट्स है तो की इनका मैनू हानियां ने है ना की लॉस है की प्रॉफिट है मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग जी बच्चे अंदर जी डिवेलप है वह करनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर है विशेषता है सिक्स नंबर पर सोशल स्किल बच्चे समाज अंदर रहना सिखाना मतलब सोशल स्किल भी जेडे बच्चे दे अंदर जेडे वो पैदा किए जाने चाहिए ने सोशल स्किल की जी डिवेलपमेंट है वह की जानी चाहिए है बच्चे जोड़ा समाज के अंदर जोड़ा रहना है वह जोड़ा सिखाना चाहिए है सो सोशल स्किल है जी सिक्स नंबर पर सोशल स्किल है बच्चे समाज अंदर रहना सिखा सैवन नंबर पर जी लाइफ लोंग लर्निंग होनी चाहिए है अजिहा सिखा चाहिए बच्चे जो कि उम्र भर उन्हें जोड़ा काम आए उम्र भर जोड़ा है वो जी नॉलेज है जो उन्हें ली है जो उन्हें सीख्या उनके जोड़ा काम है वह आए सो सारी जिंदगी उनकी जी हेल्प है वह हो नंबर पर जी डेमोक्रेटिक सिस्टम जिथे जोड़ा भेदभाव है वह बिल्कुल ना हो ठीक है बच्चों नू भेदभाव तो बिना जिहड़ा सिखाउणा है वह चाहिए जो भी बच्चे नू सिखाया जाए तो अजिहे जिहड़ा इनवायरमेंट दे विच अजिहे वातावरण दे विच सिखाया जाना चाहिए कि लोकतंत्रिक जिहड़ा सिस्टम दे नाल डेमोक्रेटिक जिहड़ा सिस्टम दे नाल जिहड़ा बच्चा है वह सीख सके बच्चों जिहड़ा भेदभाव तो जिहड़ा जिहड़ा बिना सिखाउणा चाहिए मतलब कि डिस्क्रिमीनेशन जिहड़ा है वह ना हो ठीक है बच्चों जिहड़ा भेदभाव तो जिहड़ा बिना है वह सिखाउणा चाहिए है मतलब किसी ना कोई भी डिस्क्रिमीनेशन नहीं करना चाहिए ना ही जेंडर नू लैके ना कास्ट नू लैके ना ही रिलीजन नू लैके ठीक है नैक्सट आ जाओ जी अगले पॉइंट है जी ये अपने फीचर्स वाले जो पॉइंट से प्रोग्रेसिव एजुकेशन के इतने जो कंप्लीट है वह हो गए नैक्सट कुछ जो टॉपिक है जी इनके चाइल्ड सेंटर्ड के संबंधित वो आप जो करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ही आ जाते हैं जी हैड एंड हर्ट है जी इन की है जी एक मिनट जी हैड एंड हर्ट है जी इन दे विच की है जी बच्चों के दिमाग की नहीं दिल की सुनी जानी चाहिए वह की कहते हैं जी बच्चे की जी कदे भी दिमाग की नहीं सुनी चाहिए उनके दिल की सुनी जानी चाहिए उनके दिल के जोड़े विचार है वह सुने जाने चाहिए ने यह विचार जोड़े से रूसो ने अपनी किताब के दिते से रूसो की किताब सी जी ईमाइल ईमाइल के जोड़े रूसो ने यह अपने जोड़े विचार दिते
रूसो जिहड़ी जिहड़ी गल करदा जी उह जिहड़ी प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी गल जिहड़ी रूसो इह करदा प्रोग्रेसिव एजुकेशन दी जिहड़ी गल है उह करदा है। उह कहिंदा कि बच्चे दी दिमाग दी नहीं सुनी जानी चाहीदी, बच्चे दी जिहड़ी दिल दी जिहड़ी है उह सुनी जानी चाहीदी है। हैड एंड हार्ट दी जिहड़ी गल है उहने कीती है, बच्चे दी दिमाग दी नहीं जिहड़ी है उह दिल दी जिहड़ी सुनी है उह जानी चाहीदी है। ये जिहड़े विचार दित्ते सी रूसो ने दित्ते सी अपनी किताब ईमाइल दे विच। रूसो जिहड़ा सी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की गल करदा है। सो अडल्ट सपोर्ट की गल भी जिहड़ी रूसो ने वो की है कि बच्चों की जिहड़ी वड्डे ओह सपोर्ट करन। एक गल होर भी की है रूसो ने, वो अडल्ट सपोर्ट की गल करदा कि वड्डे जिहड़े सीनियर जिहड़े परसन मैंबर ने फैमिली दे, ठीक है, अडल्ट सपोर्ट की गल भी जिहड़ी रूसो ने की है कि वो वड्डे जिहड़ी है वड्डे जिहड़े परसन ने फैमिली दे वो जिहड़ी छोटे बच्चों की जिहड़ी वो सपोर्ट करन, उहदी सपोर्ट दे विच हमेशा जिहड़े है वो खड़े रहन। सो अडल्ट सपोर्ट की गल भी जिहड़ी रूसो ने की है कि बच्चों की जिहड़ी है वड्डे सपोर्ट वो करन। नैक्सट एक जिहड़ा इहदे नाल जिहड़ा संबंधित जिहड़ा कंसैप्ट आ जांदा जी एफ फ्रोबल ने। एफ फ्रोबल सीगे जी, ये तो रूसो की आपां गल कीती सी, ये हुण एफ फ्रोबल है जी। एफ फ्रोबल ने दिता जी के जी कंसैप्ट दिता जी किंडरगार्डन, ये भी इंपोर्टेंट है जी, क्वेश्चन पूछा जा चुकिया जी। एफ फ्रोबल ने जिहड़ा जी के जी कंसैप्ट दिता जी किंडरगार्डन ने, किंडरगार्डन जिहड़ा कंसैप्ट दिता जी ये एफ जिहड़ा फ्रोबल ने दिता जी। एफ फ्रोबल दे जेकर आप पूरे नाम की गल करिए तो फ्रैडरिक फ्रोबल है। एफ फ्रोबल का आप जो गल करिए एफ फ्रोबल की गल करिए इनका जो पूरा नाम है जी वह फ्रैडरिक फ्रोबल है जी, फ्रैडरिक फ्रोबल है जी। बच्चों को उसके इनर नेचर के अकॉर्डिंग जो पढ़ाया है वह जाना चाहिए, उनके अंदरूनी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। सो एफ फ्रोबल ने के जी कंसैप्ट एफ फ्रोबल ने जो के जी कंसैप्ट दिता जी किंडरगार्डन जो कंसैप्ट है वह दिता जी। एफ फ्रोबल का जो पूरा नाम है जी वह हैगा जी फ्रैडरिक फ्रोबल। सो एफ फ्रोबल का पूरा नाम की है जी फ्रैडरिक फ्रोबल। तो इन्हें किया किया कि बच्चों उन्होंने इनर नेचर उन्हों की अंदरूनी जी सोच कि है उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे जो पढ़ाया जाना चाहिए है। सो नैक्सट आप गल करते हैं जी मैरिया मोंटेस्ट्री की, आप गल करते हैं जी ये भी इन्होंने भी अपना जोड़ा विचार दिते है जी। मैरियो मोंटेस्ट्रियो की आप गल करते हो कि कहें जी नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटड बाय अनदर परसन, किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान नहीं सिखा सकता, तुसी अपने अपने आप अपनी मेहनत के नाल सीखते हो। जिहड़ा मैरिया मोंटेस्ट्री सीगा जी उनके की विचार से वह कहता सीगा कि जेकर तुसी किसी इंसान को कुछ सिखाना चाहोगे ना वो नहीं सीख सकता है ना, किसी इंसान को कोई दूसरा इंसान नहीं सिखा सकता, जो भी तुसी सीखते हो उनके विच तुहाडा हार्डवर्क तुहाडी तुहाडा स्ट्रगल वो शामिल हुंदा है, फिर जाके तुसी किसी चीज़ को सीख पाउंदे हो। तुसी दूसरे इंसान को कुछ नहीं सिखा सकते, ठीक है, किसी इंसान को कोई भी दूसरा इंसान नहीं सिखा सकता, जो भी तुसी सीखोगे अपनी मेहनत के नाल अपनी स्ट्रगल के नाल ही जिंदगी दे विच सीखोगे। ये जिहड़े विचार दिते सी ये मैरिया मोंटेस्ट्री दे द्वारा दिते गए सी। सो ये सीगे जी अपने टॉपिक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन दे प्रोग्रेसिव एजुकेशन दे बारे दे विच, जो कि मैं तुहानू इहदे विच कंप्लीट अपना ये हो गया नोट्स अपने सारे। सो बहुत ही सौखा है चाइल्ड सेंटर की गल इन्होंने इतने की है तो सारा तुहानू पता ही, लास्ट दे जाके बस जिहड़े नाम जे याद कर लियो, एक तां रूसो वाला याद कर लियो, हैड एंड हर्ट की गल की है रूसो ने, ठीक है, अपनी इन्हें बुक ईमाइल दे विच गल की है। एफ फ्रोबल ने किंडरगार्डन की गल की है याद रखो, फ्रैडरिक फ्रोबल सी एफ फ्रोबल का नाम, मैरिया मोंटेस्ट्री ने कहा कि तुसी किसी इंसान को कुछ सिखा नहीं सकते, तो ये वाली चीज़ा लास्ट वाली ज़्यादा याद रखने वाली ने। सो इन नाल अपने टॉपिक कंप्लीट है। वीडियो तुहानू वधिया लगी वीडियो नू लाइक कर दो जी, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के ना वट्सएप ग्रुप के शेयर कर दो, कमेंट करके मैं जरूर दस दो वीडियो तो किस तरह की लगी है, लाइक कर दो, तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, तो नाल दी नाल बैल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लो ता जो मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन थोड़े तक जोड़े वो पहुँच सकन। तो जल्दी मिलते हैं जी आप नैक्सट अपनी नवी वीडियो के नाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।